हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑटिस्टिक बच्चे कैसे होते हैं, क्या सिंबल होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कि आप अर्ली एज में ही पहचान सकेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चे किस टाइप से बिहेव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जब नवजात शिशु पैदा होता है उस वक्त तो वो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ दूध पीता है, सोता है, बस यही सब। लेकिन जहाँ वो 6 मंथ का हो जाता है उसके बाद उसके हाव भाव होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो बबलाने लग जाता है, थोड़ा सा रिएक्ट, हल्का सा रिएक्ट करने लग जाता है, खासकर माँ को देखकर। ठीक है, फिर भी 6 मंथ में 1% ही पेरेंट्स पकड़ पाते होंगे, क्योंकि सबको यही आशा होती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और कईयों को तो ज्ञान ही नहीं होता। फिर बच्चा जब 1 साल का होता है तो 1 साल में जो है बच्चा एक एक शब्द बोलने लग जाता है, कई बच्चे दो दो शब्द बोलने लग जाते हैं। तो भी जो ऑटिस्टिक टाइप के बच्चे होते हैं वो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, स्पीच प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज में बात करें तो वर्णों को ऊपर नीचे करके बोलते हैं, कहाँ का वर्ण कहाँ जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बोलने को वर्ण न पहले बोलेंगे, ल बाद में बोलेंगे, ब बाद में बोलेंगे, तो इस तरीके से वर्णों को उलट पलट कर देते हैं, तो वो बन जाता है लैंग्वेज डिफेक्ट, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है। स्पीच में प्रॉब्लम कैसे आती है कि वो बोल नहीं पाते हैं, जब वो 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं तो भी वो ढंग से बोल नहीं पाते हैं, जैसे कि सेंटेंस बना के नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, तो उसको नाम दे दिया गया है आर्टिस्टिक का। फिर बच्चे आँख से आँख मिला के बात नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आप उनकी आँखों में आँखें डालकर बात करने की कोशिश करेंगे तो दे विल सी हेयर एंड देयर, मतलब वो आँखों से आँखें मिला के बात नहीं करेंगे, वो कहीं और ही देखेंगे, ठीक है। फिर आप उनको नाम से प्रोनंशिएट करेंगे, नाम से बोलेंगे, वो सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे। आप उनको बुलाते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे, लेकिन वो 10 बारी में 1 बार जो है प्रतिक्रिया देंगे और आएंगे। तो इस तरीके से जो है ऑटिस्टिक बच्चों की पहचान की जा सकती है। फिर उनको लिखने में, जब बच्चे 3-4 साल के होते हैं उनको पेंसिल होल्डिंग पावर जो उनकी होती है वो पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं ढंग से, टाइटली लिख नहीं पाते हैं, उनकी जो राइटिंग होगी वो बहुत लाइट होगी, वो पेंसिल से बहुत लाइट लिखेंगे, डार्क नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हैंड्स की मूवमेंट कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका कोई प्रिकॉशन है, कैसे इसको ठीक किया जाएगा। मेरा ये मैसेज सारी मदर्स को है, जो भी ये रियलाइज़ करती है कि हमारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं, मेरा ये मैसेज है कि एक मदर ही वो चीज़ है, वो माँ है, माँ है, वो अपने बच्चे को पूरे तरीके से ठीक कर सकती है। जी हाँ, पूरे तरीके से ठीक कर सकती है, चाहे वो लेडीज़ यानी कि मदर है जो, वो इलिटरेट है यानी पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर वो जो है पढ़ी लिखी हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आप देखिए, आपके घर में ही बहुत सामान है जिससे आप बच्चे को सिखा सकते हैं बच्चे को। आप किचन का सामान है आपके घर में, नहाने का सामान है आपके घर में, आपके घर में बेडरूम में सोने का बेड होगा, कुछ तो होगा, बिस्तरा होगा, मतलब आपको हर एक वर्ड से अवगत कराना है अपने शिशु को, बच्चे को। अगर आपको लगता है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग पावर कम है तो आपको उससे समझाना है उसको, और एक अनपढ़ लेडीज़ भी ये कर सकती है, इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक माँ है और माँ जो है अपने बच्चे के लिए बहुत बेहतर चाहती है। तो जब आप एक एक शब्द उसको जब आइडेंटिफाई करवा दोगे, पहचान करा दोगे कि बेटा ये चाकू है, ये नाइफ है, अच्छा एक ही लैंग्वेज को पकड़िए प्लीज़। आप अगर आप इंग्लिश में आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, अगर आपके घर में इंग्लिश का माहौल है, इंग्लिश में बात करते हो आप, देन यू हैव टू प्रोनाउंशिएट इन इंग्लिश। अगर आप हिंदी में है माहौल आपका, आप हिंदी में बातचीत करते हैं तो हिंदी में ही समझाइए,
क्योंकि बच्चा इनिशियली समझ रहा है, उसको जो है एक एक शब्द समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये एक माँ ही जानती है। तो एक ही वर्ड रखिए, ठीक है। अगर आपने बोला है ये प्लेट प्लेट है, थाली, गैस, सिलेंडर, ब्रश, कोलगेट, मतलब एक ही वर्ड रखिए। धीरे धीरे जब उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तब हम जो है अदर जो शब्द हैं वो भी जोड़ेंगे। एक एक शब्द बच्चे को आ जाए पहले। रोज का टारगेट बनाइए। रोज नहीं पिक करता है आपका बच्चा, इतना नहीं कर पा रहा है, एक हफ्ते में एक एक्टिविटी करवा दीजिए, ठीक है। कटिंग की करवा रहे हैं तो आप जैसे ट्वाइस आते, कोई महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यकीन मानिए आपके घर में बहुत सारा ऐसा सामान है, चीज़ें हैं, गिलास, कटोरी, थाली, जो जनरली एक एक बच्चे को सोसाइटी में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए वो सामान से जो आपके घर में अवेलेबल है उससे आप उसको अवगत कराइए, ठीक है। उसके बाद कॉपी पेन का, उसके बाद आएगा सब। पहले आप बेसिकली ये सारी चीज़, ये बुक है, ये किताब है, ये टीवी है, ये रिमोट है, इस तरीके से आप समझा दीजिए। जब वो घर की सारे ऑब्जेक्ट को समझ जाएगा ना, तब आप खुद देखिए वो बोलेगा बच्चा, अगर उसके अंदर स्पीच, अगर देखिए उसकी आवाज़ में ही डिफेक्ट है, उसके कंठ में प्रॉब्लम है, अगर उसकी आवाज़ में ही डिफेक्ट है, यानी कि वो बोल नहीं पाता, अनफॉर्चुनेटली वो गूंगा है, तब देखिए वो सिचुएशन, फिर उसको तो फिर देखिए डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तछूट भगवान, भगवान ही देख सकते हैं, आई मीन। लेकिन अगर जिस बच्चे की स्पीच है, जो बच्चा वर्ड बोल रहा है, तो समझ जाइए कि आपको एड़ी चोटी का मदर, खासकर ये मैसेज मदर के लिए है, आपको एड़ी चोटी का जोर लगा देना है। कुछों का घर देखिए, कुछों के पास पैसा बहुत होता है तो वो स्पीच थेरेपिस्ट को हायर करते हैं, वो बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट सेंटर ले जाते हैं, वहाँ पे स्पीच थेरेपी दिलवाते हैं। स्पीच थेरेपी भी वो ज़्यादा देर की नहीं होती, 15 से 20 मिनट ओनली, और वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं, उसके बाद भी वो ये सभी सिखाते हैं, ठीक है। वो प्रोफेशनल होते हैं, जिनके पास पैसा है वो जाए, ठीक है। लेकिन मैं एक जनरली एक मतलब उस घर के लिए बात कर रही हूँ जिसके पास, जो फाइनेंशली इतना मजबूत नहीं है। लेकिन आप हार मत मानिए, आप कोशिश करते रहिए, आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। और जिस दिन बोलेगा आपका बच्चा, वो सबको में वो सबको फेल भी कर सकता है। आप उसको सिखाते रहिए। आपने खरगोश और कछुए की जो है कहानी सुनी होगी, कि खरगोश जो है सोचता है कि कछुआ कहाँ पहुँच पाएगा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, लेकिन कछुआ अपने धीरे धीरे कदमों से जो है टारगेट को हासिल कर लेता है, और वो ही विजेता कहलाता है जो रुकता नहीं है। तो आप एक मदर हैं, आप बैठिए अपने बच्चे के साथ, आप जो है 1 घंटा 2 घंटा जितना समय आप सब्जी काट रहे हो, सब्जी काटते हो तो सब्जी काटते वक्त बताइए सब्जी कट, सब्जी मतलब जिन शब्दों में बच्चा समझ सकता है, आप उन शब्दों में नए शब्दों से इंट्रोड्यूस करा रहे हो। सब्जी सब्जी दिखाओ उसे, हर वेजिटेबल, मेरे हिसाब से सारे घरों में सब्जियाँ आती होंगी, आपके फ्रिज में सब्जियाँ होंगी, आपके घर में कुछ सब्जियाँ आती होगी, आलू, टमाटर, प्याज, ये सब आप बच्चे को दिखाइए, प्रैक्टिकल में दिखाइए, उसके हाथ में रखिए वो चीज़, उसको रियलाइज़ करने दीजिए, क्योंकि कईयों में सेंसरी प्रॉब्लम भी होती है ऐसे बच्चों में, ठीक है। टमाटो को टच करने दीजिए, ऑनियन को टच करने दीजिए, मिर्ची को टच करने, ऐसा कर करके बच्चा यकीन मानिए बहुत कुछ सीख जाएगा, जिस बच्चे से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि ये बच्चा कभी बोल भी पाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, मेरे पास भी एक मेरा बेटा है, मैं आपको इसको उससे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, कराऊँगी आपको मैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट देना, मैं वीडियो के सामने बच्चे को, अभी वो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी मेरी मेहनत रंग लाई और वो बच्चा जो है अभी बोलता है जो बच्चा कुछ नहीं बोलता था, पिछले साल तक कुछ नहीं बोलता था। तो एक मदर होने के नाते आपको जो है कभी हार नहीं माननी है, आपको सिखाते रहना है। लर्निंग में वो ताकत है कि वो एक ना एक दिन जो है रंग दिखाएगी।
ऐसे बच्चों में बिहेवियर बहुत इशू होते हैं। देखिए हमारे इंडिया में आधे से ज़्यादा जनता तो जानती ही नहीं है ये क्या होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम, ये जानते ही नहीं है लोग। अब इतना अवेयर ही नहीं है। ये वीडियो उन माताओं को भी मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि देखिए ये बच्चे जो होते हैं ये थोड़ा स्लो प्रकृति के होते हैं, ये स्लो ढंग से सीखते हैं, लेकिन अगर ये सीखते हैं और अगर ये सीख लेते हैं स्पीड भी पकड़ेंगे तो बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं स्पीड। और किसी काम को करने की अगर रट लगा लेते हैं तो उस काम को करने करके ही छोड़ते हैं। इनके अंदर कुछ खासियत भी होती है। आप कुछ साइंटिस्ट के नाम देखिए, साइंटिस्ट हैं हमारे, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम थी, देवर ऑटिस्टिक, ठीक है। जो हमारे आइंस्टीन थे वैज्ञानिक, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने तो क्या खोज की वो सब जानते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों के अंदर वो खूबी होती है जो नॉर्मली किसी बच्चे के अंदर नहीं होती है, क्योंकि इनका माइंड उस तरीके से डेवलप होता है, लेकिन थोड़ा सा डिले होता है। उससे मत घबराइए, अगर आप उससे वहाँ पे घबरा गए ना तो यकीन मानिए फिर तो बच्चा वैसे ही रहने वाला है उम्र भर, क्योंकि उस वक्त उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिस वक्त उसको जो है वो सीखने का उसका वक्त था। वो उस वक्त से आप चूक जाएंगे और 3 साल 4 साल 5 साल जब भी पकड़ में आए आपको लगे कि मेरा बच्चा इसमें वीक है, भूल जाइए दुनिया क्या बोल रही है, भूल जाइए लोग क्या बोल रहे हैं, आप अपना काम करिए। मदर्स, आप समझाइए अपने बच्चे को, क्या स्कूल आप कहते हैं स्कूल भेजना है ज़रूरी, स्कूल नहीं जा रहा मेरा बच्चा, आपको टेंशन हो गई है। स्कूल जाने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। आप पहले उसको उसके लायक बनाइए, उसको अगर बिहेवियर इशू है तो उसमें थोड़ा सा आप सुधार लाइए। पहले वो एक जगह पे बैठना तो सीखे। अगर बच्चे स्कूल में इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, एक टीचर को कई बच्चे देखने होते हैं, वो आपके बच्चे को नहीं देखेगी। एक जैसे आप मदर हो आप अपने बच्चे की केयर कर सकते हो, एक टीचर नहीं देखेगी उसके लिए। या तो आप एक स्पेशल एजुकेटर हायर करो, स्पेशल एजुकेटर उसके साथ साथ भेजो, उसको अलग से अफोर्ड करो, उसको आप 10 से 15 हज़ार रुपये दो तो फिर आप जो है स्कूल भेज सकते हो। तो आप थोड़ा संयम रखिए, पेशेंस रखिए। क्या हो गया 7-8 साल में भी बच्चा जो है, 7 साल की उम्र में भी अगर बच्चा स्कूल जाता है, बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो नॉट एन इशू। मेरे हिसाब से ये कोई बड़ा इशू नहीं है। स्टडी जब बच्चा जब कवर करने पे आएगा तो वो सब कुछ कवर कर लेगा, थोड़ा लेट करेगा लेकिन करेगा, ठीक है। अगर वो आज आ से अनार बोल रहा है तो कल को वो सेंटेंस भी बनाएगा, क्योंकि उसके पास स्पीच है, ही और शी हैव अ स्पीच, तो वो बोलेगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर एक प्लस पॉइंट है, वो गूंगा तो नहीं है कम से कम, ठीक है। और बिहेवियर इशू है तो उसको धीरे धीरे देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी चलती है इसकी। अगर फाइनेंशली आप कमज़ोर हैं, क्योंकि कोई भी, मैं मानती हूँ इस बात को, कोई कितना भी फाइनेंशली मजबूत है वो भी अगर देखिए 20 से 25 हज़ार रुपये अगर मंथली जा रहे हैं कन्वेंस वगैरह लगा के, तो आप फिर भी आपको जो है वो अफोर्ड करना बहुत भारी पड़ जाएगा। जिस घर में मदर भी वर्किंग है फादर भी वर्किंग है उसको भी अफोर्ड करना मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। वो भी देखिए 2 साल बाद वो भी यही सोचने लग जाएंगे कि करें तो करें क्या, आप थोड़ा सा। तो अगर देखिए आप वर्किंग है तो फिर वो आपकी एक वो बन जाएगी, आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना है, उनके लिए नहीं है ये मैसेज। अगर आप देखिए आपको फिट लगता है, आपको घर में है, आप अगर आप दे सकते हैं टाइम, आपको सिखा सकते हैं, पिक्चर्स से सिखाइए, किताबें होती हैं घर में, पेजेस होते हैं, कुछ आप उनको ड्राइंग बना के दिखाइए, वर्बली दिखाइए, ये पेड़ है, ये पत्ता है, ये रोड है, ये ईंट है, ये सड़क है, ये चप्पल है, ये जूते हैं, ये शूज़ हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। कहीं आपको कोई खर्चा करने की ना के समान खर्चा करने की ज़रूरत है, ठीक है। जिस दिन बच्चे को इतनी अकल आ जाएगी ना उस दिन बच्चा धीरे धीरे उसकी, हाँ मालिश कीजिए आप बच्चे की, देखिए ऑयल सबके घर में होता है तो आप ऑयल ले लीजिए। अगर बच्चा छोटा है
आई मीन बच्चा है आपका, छोटा है, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, तो आप उसकी मसाज कीजिए, हाथों को प्रेस कीजिए। देखिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ गाइड करने वाली हूँ, सब कुछ, ठीक है? तो आप बच्चे के साथ खेलिए, उससे वर्बली टॉक कीजिए, उसको उकसाइए कि वो कुछ तो बोले, कुछ तो बोले, ठीक है? मेरा मानना यह है कि जितनी समस्या मैंने झेली है, मेरा भी एक्सपीरियंस हो चुका है, बिहेवियर इश्यू, स्पीच प्रॉब्लम, हम तो बच्चे से कम लोगों से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। क्योंकि लोगों को मैंने कहा कि ज़्यादा समझ में नहीं आती ये बात, हर हर किसी कोई अवेयर नहीं होता इसके बारे में। जो एजुकेटेड है, जिसको ये चीज़ें पता हैं, वो समझेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से नहीं समझते। हमारे इंडिया में आज भी लोग जो है इसके बारे में अवेयर नहीं, इवन स्कूल्स में, ठीक है? तो वीडियो लंबा हो चुका है, अगला वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। मैं अपने बच्चे के साथ अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और देखिए जिस पे बीतती है वही बताता है, वही बता सकता है, उसी के अंदर एक्सपीरियंस होता है। जो बार बार जो बच्चा फेल होता है ना एग्ज़ाम में, मैं मानती हूँ, मेरा मानना है ये कि जो एक झटके में टॉप कर देता है उसको इतना ज्ञान नहीं होता। जो उस एग्ज़ाम में बार बार फेल होता है और उस पड़ाव के बाद, फेल होने के बाद वो उस टारगेट को हासिल करता है, वो जब वो टॉप करता है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। क्यों? उसको उसकी अहमियत पता होती है, क्योंकि उसने बहुत लाख कोशिशें करने के बाद वो उस पे पहुंचा है। जिसको फर्स्ट झटके में ही वो चीज़ मिल गई है, उसको इतना ऐसा होगा पर इतना नहीं होगा जितना फेलियर को होगा। तो फेल होना ही सक्सेस की पहली पहचान है। जी हाँ, फेल होता है आदमी कोई भी, उसके बाद ही वो सक्सेस हासिल करता है। यही इन बच्चों के लिए है, यही उन मदर्स के लिए है। तो आप हार मत मानिए, एक बार में बच्चा नहीं समझेगा, 2 बार में नहीं समझेगा, 10 बार में नहीं समझेगा, समझेगा जरूर, जरूर समझेगा, जरूर समझेगा। अपना जो है जोश बना के रखिए मदर्स, और अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए और समझाइए उसे। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन तक लगातार ट्राई कीजिए, आपका बच्चा जरूर समझेगा, बोलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।